नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है पंजाब की तमाम बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है। बता दें कि अमृतसर में पेड़ों के लिए अब एम्बुलेंस की आयोजना लाई गई है। जी हां, आपको बता दें कि अमृतसर में पहली ट्री एम्बुलेंस शुरू कर दी गई है। इस ट्री एम्बुलेंस में विशेषज्ञों की टीम भी शामिल है जो पेड़ों की नियमित जांच करेगी। वहीं पेड़ों को हॉस्पिटल में इस ट्री एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्री एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस फोन के जरिए लोग कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और तुरंत ट्री एम्बुलेंस पेड़ को इलाज करने के लिए ले जाएगी। पेड़ों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, मजीठा रोड के रहने वाले अधिकारी रोहित मेहरा ने खबर में बताया है कि पेड़ों के इलाज के लिए पंजाब की पहली ट्री एम्बुलेंस शुरू की गई है। इस ट्री एम्बुलेंस के विशेषज्ञों की टीम भी शामिल है जो पेड़ों का नियमित ट्रीटमेंट करेगी। इतना ही नहीं, ट्री एम्बुलेंस के माध्यम से 32 तरह की सर्विस भी जारी की गई है और अब पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए एक नया अभियान चलाया गया है, जिसके तहत लोग को नंबर दिया गया है ताकि वो पेड़ों की जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और ट्री एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगी पेड़ों की रखवाली के लिए। मेरा नाम है रोहित मेहरा, मैं 2004 बैच भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूं और अमृतसर में पोस्टेड हूं। और सर, किस तरह से शौक पड़ा, क्या क्या करते हैं एम्बुलेंस के अंदर? देखिए, हमने एक विश्व का पहला ट्री हॉस्पिटल एंड क्लिनिक विच हैज़ अ ट्री एम्बुलेंस आल्सो, वो शुरू किया है। हमारा मेन पर्पज़ है कि मनुष्य के लिए सब कुछ है। ये जो प्राणी मात्र है, जैसे हम बड़ी बार कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, ये प्राणी मात्र है। प्लांट्स के लिए कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने एक ट्री हॉस्पिटल शुरू किया है जिसमें एक मोबाइल एम्बुलेंस है और जिसमें कि एक पूरे का पूरा एक प्लांट्स से रिलेटेड जो भी ट्रबल है, विच में भी फिजिकल, विच में भी केमिकल, विच में भी बायोलॉजिकल, ये हमने शुरू किया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां एक बार फिर से दर्दनाक हालत करके एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बता दीजिए, एक व्यक्ति की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ये पूरी खबर अमृतसर से सामने आई है, जहाँ राम लताई इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया है। मृतक एक ऑटो चालक बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इतना ही नहीं, बता दें कि अमृतसर और राम लताई इलाके और इसके आसपास के लताई चौक के एक ऑटो चालक की तेज धार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक मृतक की पहचान अमृतसर के गांव के निवासी कुलदीप सिंह के रूप में की गई है, जो अमृतसर में एक ऑटो चालक के रूप में काम कर रहा था। बेरहमी से ऑटो चालक की हत्या कर दी गई और अब ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। चैनप्रीत सिंह गलबात हो गई, पता नहीं लगा सानू। ये गल तो एस एच ओ साहब ने दसिया भी बंदियां दी अहीं छानबीन कर रहे हैं दिहाड़ी डंग च, सानू इन्हां ते विश्वास है भी क्लीयर हो जाना। तीह तो 35 साल के करीब कुलदीप सिंह ना ही छोटा ना कन्नू ही होता, बराड़ पिंड का। हाँ जी, हाँ जी, पक्का 100% कतल होया। हाँ जी, आटो चला मैं बराड़ पिंड का। गल भाई अगे भी गली राह चला, तो मैंने फोन आया 11 बजे 34 मिनट से फोन इन्ना किया दूजा मेरा 108 वाले नंबर, तो जल्दी तो जल्दी मेरे हॉस्पिटल पहुँच गए। जो अं पहुंचे उत्तर आदान मतलब खत्म हो गया। उम्र इन्नी की 30-35 साल कुलदीप सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। साढ़े जी सब इंस्पैक्टर प्रेम सिंह के पास दयाल सिंह सन ऑफ सुचा सिंह वासी बराड़ थाना लोपोके जिला अमृतसर देहाती ने अपना जरा बयान दिता जी, जिसे उन्हें दसिया कि मेरा भरा कुलदीप सिंह जरा इतने आटो चला अमृतसर और वो संबंध उन्होंने फोन पर दसिया भी किसी अणपछाते बंद ने वो जो तेज धार हथियारों राम तलाई चौंक जो तंदूर वाला चौंक वजह है उत्थे कतल कर दिता। जो वो बयान से असी मुकदमा नंबर 32 अधीन धारा 302 IPC थाना बी डिवीजन जो। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर पठानकोट से है। बता दें कि लगातार नामांकन के दौर जारी है और इसी बीच
पठानकोट से 50 वार्डों के नामांकन किए जा चुके हैं। बता दें कि 50 वार्डों के नगर निगम चुनाव के लिए आज नामांकन की तीसरे दिन कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल किए गए। वहीं भाजपा के प्रत्याशी के साथ पंजाब प्रधान अश्विन शर्मा, पूर्व मेयर अनिल वासुदेव और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ पठानकोट से विधायक अमित विंज नामांकन दाखिल करने के लिए प्रक्रिया में उम्मीदवारों के साथ नजर आए। लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पठानकोट में भी आज तीसरे बार नामांकन दर्ज किया गया। देखो जी, मैनू तो 3 साल हो गया है। मेरे साहब ने मेरी ड्यूटी लाई ही कि वार्ड की जिम्मेदारी मैनू 32 नंबर वार्ड की दी है। उस तो बाद साढ़े वार्ड च पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, LED लाइट की समस्या काफ़ी ही। जो है मैनू मौका मिले है उदो मैं आया। सारे तो पहला तो मैं अपने वार्ड च LED लाइटा पूरे वार्ड च लगवाई हैं। उस तो बाद साढ़े वार्ड के बीच ही कोई पानी की समस्या बहुत ही, जिस ज़्यादातर सीवरेज का गंदा पानी आता है। मेरा जो अपने वार्ड में मेरा सबके साथ बहुत पर्सनल रिलेशन है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे साथ बहुत है। और जो नया हमारे साथ हिस्सा ऐड किया लमीनी का, वहाँ की लेडीज़ भी मेरे साथ, सब मेरे साथ चल रही हैं। और जो भी काम वहाँ बहुत होने वाले हैं वो हम सब काम करेंगे। जो हाँ जी, इलेक्शन कमीशन दे और ये करके मैं लगता नहीं कि NOC की जरूरत भी हैगी है। NOC इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो सीवरेज का बिल नहीं दिता, इन्होंने पानी का बिल नहीं दिता। वो कैंडीडेट्स मैनू लगता है कि अपने इलेक्शन दे मुद्दा ना बनन करके लेना चाहिए, पर मैनू लगता नहीं कि टिकट लैन वास्ते NOC की रिक्वायरमेंट। ऐसा है कि अगर मेरी सवेरे जिस साढ़े अपने इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन से प्रधान जी नाल गल हो रही थी, अश्विनी जी उत्ते और उन्होंने भी ये गल कही है कि किसी किस्म की भी धक्केशाही बर्दाश्त इस इलेक्शन के अंदर की नहीं जाएगी। और मैं अफसरों भी बेनती करता कि ये लोकतंत्र है, लोगों ने वोटा पा के अपने नुमाइंदियों को चुनना है और इस कारण लोगों को अपने नुमाइंदे असी चुन दईए, ना कि अफसरों के राही या लीडरों के राही NOC जारी करन दे विच डिले या होर ऐसे किसी कारण जिहड़ा गा नामांकन पत्र भरन तो रोकना, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से सामने आई है, जहां एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अमृतसर में एक बार फिर से चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया है। बता दें कि अमृतसर के गुरु तेग बहादुर नगर में दिन दहाड़े एक घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए घर से लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। इतना ही नहीं, चोरों की ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घर के मालिक अनुपम के मुताबिक वह घर से बाहर थे और तब घर आए तो देखा कि उनका लैपटॉप और कई कीमती सामान लेकर चोर रफू चक्कर हो चुके हैं। पर वहीं CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। बता दें कि CCTV चेक के पता चला कि कैसे चोर उनकी दीवार फांदकर घर के अंदर घुसा और सारा सामान लेकर फरार हो गया। अनुपम के मुताबिक ये कोई चोरी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं उनके एरिया में आ चुकी हैं। लगातार पुलिस प्रशासन पे ये बड़ा सवाल सामने आया है। जहां अमृतसर में दिन दहाड़े चोरी की बात सामने आई, दिन के दहाड़े लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, उसके बाद पता चला कि किस तरह से चोर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बता दें कि दिन दहाड़े घर से चुराए लाखों के सामान, चोरों ने लाखों के सामान लेकर घर से फरार हो गए। वहीं अमृतसर में चोरों की हौसले बुलंद नजर आए हैं। लगातार एक ही इलाके में कई चोरी की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। वहीं मृतक, आपको बता दें कि घर वालों के कहने के मुताबिक अमृतसर के गुरु तेग बहादुर नगर में दिन दहाड़े एक घर को चोरों ने निशाना बना लिया और घर से लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन चोरी की ये घटना CCTV के कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच
शुरू कर दी है। वही बता दें कि घर के मालिक अनुपम के मुताबिक वह घर से बाहर थे और जब घर आए तो देखा कि उनका लैपटॉप और होम थिएटर के साथ साथ कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गया। तब सीसीटीवी से चेक करने से ये पूरी वारदात सामने आई कि कैसे चोरों ने दीवार को फांदकर घर के अंदर घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं बता दें कि घर वालों का कहना है कि ऐसी ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस इलाके में कई ऐसी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरह घटना की जाती है, एक घर में घुसकर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि अमृतसर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। सर कल दोपहर ही फैमिली दे नाल मैं किसी सेरेमनी ते गया सी, दोपहर दे 1 बजे दा टाइम सी। जदों वापिस आया वहां ते देखिया कि घर दे विच चोरी हो गई है। मैं जदों अपने सीसीटीवी कैमरे दा विजन खोलिया ते हैरान हो गया कि दोपहर दे 2:20 ते बड़ी आसानी नाल चोर ऐसे गेट राही चढ़ के उपर गया, ठीक है, आराम नाल चोरी करके 15-20 मिनटां दे विच मेरा लखां रुपए दा समान लैके चला गया। नुकसान के तौर पर मेरा जी एक लैपटॉप लै गया, तो इंडक्शन सी रसोई दे विच, बैडरूम दे विच होम थिएटर सी, वो ते प्लस एक मेरी मोटर सी अमेरिका तो आई सी वाटर फिल्टरिंग यूनिट दी है। मामला साढ़े हुणी ध्यान च आया जी, डॉक्टर अनूप गुप्ता जी इतने रेंदे ने, साढ़े 424 नंबर कोठी इन्हां दी, ते इन्हां ने दस्सिया वा कि मतलब एक दिन दे वेले, कल दी गल आ, कल दिन दे वेले किते गए सीगे बाजार ते, मगरों चोर ने जिहड़ी इन्हां दे घरों इंडक्शन कुकर वगैरह चोरी कर ले ने, ते हुण इह रिटर्न च कंप्लेंट देणगे ते उस तों बाद जिहड़ी आ FIR दर्ज करके ते बणदी कानूनी कारवाई अमल च लैंदी जाऊ। सीसीटीवी आई सामने कोई? सीसीटीवी फुटेज कह रहे ने जी, बाकी वेखी नूं वेखणी बाकी आ, ले वेखदे आ, चेक करदे आ। सर कल अगली खबर की ओर, खबर जालंधर से आपको बता दें, लगातार सियासी पार्टियों में गर्मा गर्मी देखने को मिली है। बता दें कि नगर काउंसिल चुनाव को लेकर गुरदासपुर की नगर काउंसिल कादिया में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार अपने अपने कागज जमा करवाने कादिया तहसील में पहुंचे। इस मौके पर आपको बता दें फतह जंग बाजवा की अगुवाई हुई, उन्होंने कहा कि तहसील पहुंचे और साथ ही कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के कागज जमा कर लिए गए। इसके साथ ही मौके पर MLA बाजवा ने आपको बता दें जमा करवाए कागज के साथ कहा कि कादिया में चुनाव को लेकर अब एक जंग है और ये देखना होगा कि इस बार आखिर किसकी सत्ता सामने आती है। वही सियासी पार्टियों में आपसी मतभेद भी देखने को मिला है। नगर काउंसिल चुनाव को लेकर गुरदासपुर की नगर काउंसिल कादिया में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार अपने अपने कागज जमा करवाने कादिया तहसील में पहुंचे। इसके बाद मौके पर MLA फतह जंग बाजवा की अगुवाई में तहसील पहुंचे और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के कागज जमा कर लिए। इसके साथ ही मौके पर MLA बाजवा ने जलालाबाद से सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर कहा है कि सियासी पार्टियों में आपसी मतभेद तो होता ही रहता है, ऊपर से यह पंजाब है, पंजाब में ऐसा खड़का धड़का तो चलता ही रहता है, आज कांग्रेस की सरकार है तो कल दूसरी पार्टी की सरकार होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही भाजपा ने कहा कि आपको बता दें बाजवा ने इस तरह का बयान दिया कि कादिया नगर काउंसिल के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जरूर होंगे, शांति से चुनाव होने जी, मैं अही समूह का आन के जब अही पहुंचे इतने 2 बजे ते जिहड़ी पुलिस प्रशासन जी उन्हें कहा दूजे धड़े वाले जिहड़े कांग्रेस वाले वो अंदर बैठे आ ते तुसीं रुक जाओ तुहाडे कागज लै ले जाणगे। 15-20 मिनटां बाद मुड़ के सानू मिलाया भी गया अंदर खड़ के, तो उन्होंने भी कहा कि कोई गल नहीं मैं तुहाडे कागज रिटर्निंग अफसर साहब। देखो जी अं अज तुहाडे सामने तुसां भी टाइम नोट किया 2 बजे फाइलां लैके आ गए ही, तो अंदर जाण बुझ के कादियां MLA अपने बंदे लैके बह रहा, तो 1 घंटा पुजे तक टाइम ओवर नहीं हो गया वह बह रहा, हुण फाइलों के उत्ते टाइम पैना ही 3 बजे तो उत्तर टाइम हो गया ही। इलैक्शन कमीशन की हिदायत आ भी 11 तो लैके 3 बजे तक फाइलों जमा करवानी है, तो इस करके जो अज फाइलों दिने तो वह तो इन्होंने जान बुझ के लेट कीतिया ने, बच्चे RO भी उन्होंने नाल दबा थले है, तो इस करके अज नहीं करवाइया, हुण अं कल फाइलों जमा कराएगा श्रोमणी अकाली दल। नहीं साजिश कहदी हुंदी है, पोलीटिकल लोगों का माड़ा मोटा तो चलता ही हुंदा, तो पंजाब है जी
पंजाब दे विच कोई खटका धड़का तो पोलीटिकल लैवल तो हो सकता, पर मेरा नहीं ख्याल इस लैवल तक किसी नूं जाना चाहिए। मैनू इस खबर का पता नहीं, पर मैनू भी इत्थे पता लगा है इस खबर बारे, और मैं समझना मंदभागी है। ये एक जिहड़ा इलैक्शन का रोल है, जिहड़ा इलैक्टोरल वोटां पैंदियां ने, ये तो उस बंदे नूं ये तो खुल दिली ना पैनिया चाहीदियां, ये तो कभी किसी नूं ना डकना। सरकार आंदियां जांदियां रहिंदियां जी, अज कांग्रेस की सरकार है, कल के होर दी। टोटल 27 नॉमिनेशन जिहड़े पेपर है वो मेरे कोल इत्थे जमा होए जी। हाँ जी, लगभग कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने कैंडिडेट आए। नहीं, बिल्कुल गलत है जी, मेरे कोई नहीं अंदर आया। जे आया होंगे तो मैं कभी इग्नोर नहीं करता। कंपलैक्स नहीं, मेरे कंपलैक्स के अंदर तो बाहर तो कोई भी हो सकता, मेरे को अंदर लैके फाइल कोई नहीं आया। टोटल रुकते हैं अगली खबर की ओर। खबर गुरदासपुर से है, जहां एक चाइनीज डोर ने व्यक्ति की जान ले ली। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एक चाइनीज डोर की वजह से लगातार कई लोगों की जान की खबर पहले भी सामने आई थी कि लोगों की जान जा चुकी है डोर से वजह से। और अब एक बार फिर गुरदासपुर से यह मामला सामने आया है, जहां चाइनीज डोर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। बता दें कि बटाला के एक नौजवान की प्लास्टिक की डोर, पतंग की डोर की वजह से मौत हो गई। वहीं बता दें कि नौजवान छोटे हाथी पर बैठकर काम से घर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में लगी प्लास्टिक की डोर से हाथी के कान कट गए। उस वक्त वो हाथी वहां से हिलने लगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बटाला के मोनिया मोहल्ला का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल थी, और ये नौजवान विक्रम नाम इनका बताया जा रहा है, जो परिवार में इकलौते व्यक्ति थे जो कि पैसे कमाते थे, जिससे परिवार को काफी हानि हुई, परिवार में काफी दुख देखने का मिला। वहीं बता दें कि पत्नी और 8 साल की बेटी अभी मासूम वो छोड़कर वहां देश के लिए, आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगहों से चाइनीज के साथ लगातार मामले भी सामने आते हैं। और उसी बीच एक और खबर सामने आई कि चाइनीज डोर की वजह से एक मासूम व्यक्ति की जान चली जाती है। ऐसे मामले पहले नहीं है, परिवार वालों की मांग है कि ये पहला मामला नहीं है। चाइनीज डोर को पूरी तरह से मार्केट में सीज कर दिया जाए, ताकि वो किसी तरह से भी मार्केट में ना बिके, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोग शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। बता दें कि पूरा मामला गुरदासपुर का है, जहां का एक व्यक्ति रास्ते पे काम से घर लौट रहा था, उसी दौरान चाइनीज डोर हाथी के कान में अटक गई। वो हाथी के ऊपर सवार था और उसके गिर जाने से उसकी मौत हो गई। चैनल डोर फिर गई गल ये बंद होनी चाहिए चैनल डोर स्टाल पैलस कम तो आ रहे ना, स्टाल का कम करता है। चाइना डोर कितने लगी है ये? अज कदम महल्ले विखे बहुत ही माड़ी घटना हुई है, जिदे विक्रम पुत्र प्रेमनाथ की एक्सीडेंट से डैथ हुई है। एक्सीडेंट तो इस तरह का भी जिस तरह मतलब जिस तरह चाइना डोर हमेशा ही कहा जाता भी जानलेवा साबित होंगी है, उस तरह यह बच्चे की भी जी है चाइना डोर की वजह करके ही एक्सीडेंट सारा होया वा। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, जुड़े रहिए विस्टार न्यूज़ के साथ।